मेरे क्यूटू इंजॉय कर ला, इंजॉय कर ला, पापा को बाय बाय नहीं बोलेगा, बाय 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 बाय, हकी चाहिए, हकी चाहिए, हकी चाहिए, हकी चाहिए, आया मैं, आया तुझे हकी देने, आ गया। माँ, ओ माँ, कितनी छोटे खाओगे? अरे यार ये सम्मत क्या करो, माँ बेटे नहीं लगते फिर। ए केटी के लौंडे, अब तो हम लोग अच्छे से बचा। अच्छा आप तो नहीं बोल सकता। I am Khaleesi and I have two dragons. One is, तुम अपने आप को दिखाओ पहले। अच्छा। तरुण और अर्जुन। मेरे तरुण अर्जुन आ गए। मेरे तरुण अर्जुन आ गए। चिक चिक बोले यार, नहीं तरुण आज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कहते हैं ना कि कोई भी काम आसान नहीं होता। हमारे एक्टिंग के काम में भी बहुत से चैलेंजेस होते हैं, जैसे कुछ एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं, जैसा ये मैंने रिसेंटली शादी मुबारक के लिए किया है अपने को आर्टिस्ट के साथ। गिरना, पड़ना, चोटे खाना, चोटों से बचना, अपने आप को बचाना, जैसे यहाँ देखिए अभी ये बरखा की साड़ी जलते जलते बची है। आखिर तक होल्ड किया हुआ था मैंने, तो इसलिए वो साड़ी के अंदर तक आग नहीं पहुंची, मैंने पहले उसको खींच लिया बाहर। बट ये सब रिस्की होता है, कृपया घर पे ट्राई ना करें। हमारे पास में एक्शन मास्टर्स भी होते हैं, और जब नहीं भी होते हैं तो हम बहुत सावधानी से काम करते हैं। बचपन में कौए के वो कंकड़ डाल के पानी पीने वाली कहानी तो सुनी होगी आपने, लेकिन यहाँ कंकड़ नहीं डालना पड़ रहा है, इनको खाना रखा था यूनिट का बाहर, उसी में से इन्होंने भी भोजन कर लिया। कौन पूछ ला रहा है गिलहरी की तरह? ए गिलहरी, ओ छोटी गिलहरी, छोटी गिलहरी, छोटी गिलहरी, ओ छोटी गुड़िया, ओ गुड़िया छोटी वाली, छोटी वाली गुड़िया, तू टोपी स्कूल की लगी हुई है। पापा के पास आएगी, पापा के पास आएगी, पापा के पास आएगी, पापा ले तुझे, फिर ड्राइव कैसे करेंगे पापा? यही तो प्रॉब्लम है। हमारी किसी भी वीडियो में शिवांशी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो हमारी गुड़िया है, और हमें भी ऐसा लगता है कि हम अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांट सकें। अभी रिसेंटली हमारे एक फ्रेंड ने हमें ये सजेस्ट किया था, शिवांशी के सोने की जगह पे ऊपर ऐसा एक खिलौना टांगने का, जिसमें थोड़ा थोड़ा म्यूजिक चलता है और कुछ कैरेक्टर्स बने हुए हैं, कार्टून कैरेक्टर्स, और ये सच में इसको एंटरटेन करने का बड़ा काम आता है। कई बार जब मैं और प्रिया हम दोनों बिजी होते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक इसको देखती रहती है, खेलती रहती है इसके साथ में। हमारी बिटिया रानी ने ये नया तरीका सीख लिया है, जब भी भूखी होती है तो भूख बताने के लिए ये ऐसे मुंह के अंदर उंगलियां डालना शुरू करती है, ऐसे ये करने लगती है, और हम समझ जाते हैं कि इसका दूध का टाइम हो गया है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आगे भी हम कोशिश करेंगे आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोस लाते रहे हमारे जिंदगी के कुछ खट्टे मीठे से पल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।